हाय नॉलेज नॉलेज इज प्राउड दैट ही हैज लर्न सो मच विजडम विजडम इज हम्बल दैट ही नोज नॉट मोर आइंस्टाइन का भी एक कोट है द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो टुडे इज एथ ऑफ दिसंबर 2020 लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर्स हैं राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बोजियर मोस्टली चंडीगढ़ में देखने को मिलता है पलाश स्टेट फ्लावर है उत्तर प्रदेश का ये एंड फोर्स होता है ये इसे फ्लोट कराने में हेल्प होती है बॉय एंड फोर्स अपवर्ड फोर्स होता है एक्सपीरियंस बाय बॉडी जब वो किसी फ्लूड में ऐसे इमर्ज होती है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है तकरीबन 400 हंड्रेड टू एट हंड्रेड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो ह्यूमन आई डिटेक्ट कर पाती है नियर साइटेडनेस होता है मायोपिया। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन आज के सवाल है अंशी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ये नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 इन नंबर इसमें क्वालिटी एजुकेशन किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लिखा है यूटेंसिल्स होते हैं इनमें नॉन स्टिक यूटेंसिल्स भी होते हैं ये जो नॉन स्टिक नेचर होता है नॉन स्टिक कोटिंग होती है ये क्या है केमिकली वॉट इज दिस नॉन स्टिक कोटिंग इन यूटेंसिल इज ऑफ वाइटमिन दो टाइप के हो सकते हैं फैट सोल्यूबल और वाटर सोलूबल वाटर सोल्यूबल वाइटमिन के नाम बताइए फैट सोल्यूबल वाइटमिन के नाम बताइए केमिकल नेम क्या होता है वॉशिंग सोडा का बेकिंग सोडा भी बताइए सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है रिफ्यूट रिफ्यूट का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट या थ्योरी को रॉन्ग या फॉल्स कर देना डिसअप्रूव करना जैसे फार्म बिल में एक थ्योरी आती है दूसरा ग्रुप उसको रिफ्यूट कर देता है सो दिस इज रिफ्यूट एबेयंस मतलब होता है टेम्पररी डिस या फिर सस्पेंशन हुआ है वो एक्टिविटी फॉर टाइमबिंग एबेयंस में है बेस्टो मतलब कॉन्फर करना प्रेजेंट करना प्रदान एन ऑनर राइट और गिफ्ट बेस्टो हुआ है ये क्वालिटीज बेस्टो हुआ है सक्सेस ब्लेसिंग्स दिस इज बॉलीवर्ड दैट इज वाइड स्ट्रीट इन टाउन और सिटी टिपिकली वन लाइन विद ट्रीज ये ऐसे एक पूरा लेन है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ट्रीज एंड फ्लावर्स ऐसे लगे हुए हैं दिस इज दिस कैलेस कैलेस अप्रोच होती है जो बहुत इनसेंसिटिव है हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको कैलेस अप्रोच नहीं रखना चाहिए सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स जो आगे न्यूज पेपर में हम देखेंगे आज के न्यूज आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने नॉट मतलब हामी दिया है सेंट्रल विस्टा इनोग्रेशन के लिए देन विल हैव अ रीलुक सेंट्रल विस्टा और इसमें चैलेंजेस क्या हैं ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं कंडेंसेशन क्या होता है इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं फॉग और मिस्ट में डिफरेंस क्या है ट्राइबल्स स्वराज संगठन ट्रांसपेरेंसी इज वाइटल एडिटोरियल रीबिल्डिंग फ्रॉम डेबरी नीचे पूरा डेबरी हो गया था उससे वापस रीबिल्ड करना है यूएसए अ डुएट फॉर इंडियाज अर्बन वमेन अर्बन वन अर्बन पुअर्स अर्बन वमेन अर्बन वर्कर्स क्या चैलेंजेस हैं एम्प्लॉयमेंट कैसे उनको प्रोवाइड किया जा सकता है द ग्राउंड हैज फॉलन आउट फ्रॉम बीनीथ द फार्मर्स फीड जमीन खिसक गई है पाँव से beneath द फार्मर्स फीड इसमें कुछ बहुत अच्छे अगेंस्ट आर्टिक पॉइंट्स दिए हुए हैं फार्म बिल के कि जो फार्म बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कैसे अगेंस्ट जा रहा है देन दिस इज प्रडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर रिलायबल एंड कंसिस्टेंट और इसमें आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है लक्षद्वीप में ये क्रिटिसिजम एंड लॉ सूट है डिबेट ओवर कोडिंग फॉर किड्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ये ऐसे कॉरिडोर्स बना रहे हैं एक्सलेंट न्यूज और आज का मैप है दिस गुजरात और कौन सा स्टेट हमसे अभी तक डिस्कस नहीं किया है कमेंट आई थिंक गुजरात बचा है और एक मध्य प्रदेश भी बचा हुआ है हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अवर रेफरेंस मटेरियल ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज है फार्मर लीडर सीख नॉन पॉलिटिकल सपोर्ट नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मर्स जो है ना दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन डिफरेंट एरिया डिफरेंट पॉलिटिकल अफिनिटी भी हो सकती है और जो फार्मिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन एंगेज है फार्मिंग में एंड फार्मिंग में रिफॉर्म्स सॉल्यूशंस की डायर नीड है सो दैट इज़ बाई यहाँ नॉन पॉलिटिकल वे में हमें जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने नोट दिया है सेंट्रल विस्टा इनोग्रेशन का प्राइम मिनिस्टर फाउंडेशन स्टोन डालेंगे दिसंबर को सी गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दिया है मतलब लिखित रूप में कहा है कि कीप इन किबेन्स टेम्पररी सस्पेंड करेंगे सारी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी जैसे कि फेलिंग ऑफ ट्रीज कुछ दिन पहले हमने देखा था ट्रीज को ये रिस्टोरेशन कर रहे हैं दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जैसी एक्टिविटी हो रही है फेलिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है इससे एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है दिल्ली वैसे ही बहुत सेंसिटिव है सो कंस्ट्रक्शन ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह पे एक एबेयंस है मतलब टाइम बिंग सस्पेंशन है ये जब गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दिया तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला ऑलराइट दस दिसंबर को आप इनाग्रेशन कर सकते हो ये कुछ ऐसी बिल्डिंग बनने वाली है पार्लियामेंट की हमें रीजन भी पता है नई बिल्डिंग की जरूरत के ऊपर है 2026 नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली है नो फिजिकल चेंज वुड बी मेड टू द एरिया ये सरकार ने अंडरटेकिंग में दिया है इससे पहले कुछ टाइम पहले हमने ये न्यूज टैंपलेट देखा था सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया था जजमेंट इन सेंट्रल विस्टा केस में यह है सेंट्रल विस्टा दिस इज विस्टा विस्टा मतलब होता है एक बहुत ब्यूटिफुल आउटलुक जिसे विंडोज विस्टा आई थी ऑल वो फ्लॉप थी बट विस्टा दिस इज विस्टा एरियल व्यू है सेंट्रल विस्टा इन न्यू दिल्ली तो यहाँ जो लैंड यूजेज है उसका पैटर्न चेंज होगा तो ये जो जैसे साढ़े तीन किलोमीटर का ट्रैक है राजपथ है जहाँ पे हमारा अभी रिपब्लिक डे परेड भी होगा बोरिस जॉनसन तो यहाँ अगर आप इसका नेचर चेंज करोगे तो इट इज़ लाइक हिस्टोरिक पास नेशनहूड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ये एक सिम्बल है तो गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए और जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो भी किसी भी फॉर्म में डाइल्यूट नहीं होना चाहिए सो दीज द थिंग्स जो अभी चल रहा है दिस सेंट्रल विस्टा इनाग्रेशन में अभी 10 तारीख को इनाग्रेशन होगा इसके बारे में फिर से बात करेंगे ये जो सेकेंड न्यूज़ है सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अप टू सेंटर वॉट हैपन्स नेक्स्ट फार्मर्स ने कहा एक्सरसाइजिंग देअर राइट राइट टू वोट क्या होता है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एडल्ट सफरेज इंडिया वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंट्री है जहाँ से डे वन में चाहे मैन हो या वुमेन हो सबको एक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मिला है एटीन प्लस है यू हैव गॉट राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज योर ड्यूटी बिकॉज दिस इज एसेंशियल फॉर वाइब्रेंट एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी वेटिंग देअर टर्न एक्सेलेंट वोटर टर्न आउट ज्यादा होना चाहिए सो दिस इज एक्सरसाइजिंग देअर राइट अब जो नेक्स्ट है विजिबिलिटी इन सिटी ड्रॉप्स टू जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन सी दिल्ली के ये हाल है हैवी फ्लॉग एनगल्फ हुआ है ऐसे पूरा ढाप लिया है उसे एनगल्फ हुआ है कैपिटल को रिजल्टिंग इन पुअर विजिबिलिटी डेंस फ्लॉग आ गया है फॉग आ गया है मेट डिपार्टमेंट ने भी ये कहा तो ये तो फॉग है फॉग अगर बहुत आसान भाषा में समझे ना तो फॉग बस क्लाउड्स होते हैं और वो क्लाउड्स क्लाउड्स हवा में होते हैं हाइट पे होते हैं ये क्लाउड्स जमीन पे आ जाते हैं तो दे फौग। फौग आर कॉल्ड फॉग फॉग आर क्लाउड्स विच आर एट ग्राउंड सरफेस सो दिस इज फॉग मिस्ट क्या होता है मिस्ट यूजअली तब बनता है जब वार्म एयर ट्रेवल करती है कोल्ड में जैसे हम मॉर्निंग में अभी जैसे विंटर में ट्राई दिस एक्सरसाइज ऐसे हम मुंह से हवा निकालते हैं गर्म हवा रहती है तो ऐसे जो बनता है ना धुआं टाइप दैट इज कॉल मिस्ट स्मॉल स्केल में ऐसा ही मिस्ट फॉर्म होता है ह्यूज लार्ज स्केल जोग्राफिकल स्केल पे भी होता है सो so, डिफरेंस क्या हुआ फॉग और मिस्ट में फॉग होता है थिक क्लाउड दैट हैंग्स लो बादल हैं जो जमीन पे आ गए कंसिस्टेंटली होते हैं कंसिस्ट करते हैं टाइनी वाटर ग्लोब्यूल्स के मिस्ट बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन ह्यूमिडिटी यूजुअली गर्म हवा यहाँ पे ऐसे आ रही है तो वो मिस्ट फॉर्मेशन होता है डेंसिटी ऑफ फॉग हाई होता है डेंसिटी मिस्ट की कम होती है विजिबिलिटी फॉग में लोअर होती है मिस्ट में थोड़ी हायर होती है यूजली जो हॉरर मूवीज़ होती है ना उसमें ऐसे मिस्ट दिखाते हैं वैलीज और इन सब में दिस इज मिस्ट ड्यूरेशन ऑफ फॉग कम्पेरेटिवली लॉन्गर हो सकता है मिस्ट कम्पेरेटिवली शॉर्टर हो सकता है तो दीज आर वेरी बेसिक डिफ्रेंसेज जोग्राफी के इसमें एन का जो क्लाइमेट चैप्टर है एक्सलेंट चैप्टर वहाँ ये सारे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है फॉग मिस्ट ड्यू फ्रॉस्ट छोटे छोटे डिफरेंसेस क्या होते हैं एन पढ़ने का यही बेनिफिट है कि हम उसको ना फिर रिवाइज़ भी बहुत इजीली कर सकते हैं जब नेक्स्ट टाइम रिविज़न करेंगे ना देखना वो टेन मिनट में होगा नेक्स्ट रिविज़न होगा वो टेन फाइव मिनट ये कम होता जाएगा देर वुड कम अ टाइम कि एग्जाम से पहले जस्ट आपको पन्ने पलटाने होंगे और पूरी बुक आपको थोड़ो हो जाएगी दैट वो लेवल अचीव करना है ओके डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट ड्यू क्या होता है मोस्टली ऑब्जर्व अर्ली मॉर्निंग में होता है ड्यू मतलब हिंदी में ओस बोलते हैं वेन द सेचरेटेड एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड सर्फेस जैसे पत्तियों में ट्रीज में ग्रास में ऐसे दिखती है ना दैट इज कॉल्ड ड्यू फ्रॉस्ट क्या होता है ये फ्रीज हो जाता है ऐसे दिस फ्रॉस्ट फ्रॉस्टी वेदर है सेम एज अब होता है बट यहाँ जो ड्यू पॉइंट होता है वो बिलो जीरो सेंटिग्रेट होता है तो इससे क्या होता है आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं सो दट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट। ये बिलो जीरोट होगा तो ड्यू दो फ्रॉस्ट फॉर्म होगा अदरवाइज ड्यू फ्रॉस्ट में क्या होता है आइस होती है और यहाँ पे आइस नहीं है ड्यू और फ्रॉस्ट अब रीड दैट एनसीआरटी क्लाइमेट का एक बार क्विकली रिविजन करिए वीडियो का वॉट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेशन कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं प्रिपेयर अ नोट एक इस पर नोट प्रिपेयर करिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं कम पढ़ा है बट उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया है वो एक्चुअल एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करता है जब आप लिखने बैठते हो ना तो चीज़ें तुरंत याद आ जाती है अदरवाइज़ आपने बहुत सारा रश्ड मैनर में पढ़ लिया वो फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है वो चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हम देख लेते हैं ना तो फिर एंट्रॉपी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है स्ट्रेस क्रिएट होता है सो कीप एवरीथिंग सिंपल दिस इज द सेकेंड वर्ड एंड वर्क ऑन योर लैंग्वेज लैंग्वेज आप मतलब जितना अच्छा कर सकते हैं ना देर इज़ नो लिमिट वर्क ऑन इट इंग्लिश बेटर करना है लिखने का भी बोलने का भी आइडियाज अपने प्रेजेंट करना है स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना सीखिए डू दिस एक्सरसाइज दिस विल बी वेरी रिवॉर्डिंग टू यू सेलेक्शन होने के बाद ही जर्नी खत्म नहीं हो जाती है जब आप काम करने जाओगे ना तब भी ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी सो डू दिस थिंग ट्राइबल्स कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी सो दिस इज द थिंग ये अब जो नेक्स्ट पेज है दिस इज पॉलिटिकल न्यूज पॉलिटिकल न्यूज़ दिस इज द थिंग ट्राइबल कम टूगेदर टू प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी अभी कुछ दिन पहले हमने वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया था सॉइल मतलब दिस अपर लेयर अपर लेयर ऑफ दिस अर्थ सॉइल जो है बायोडाइवर्सिटी इसका भी मेनटेन करना जरूरी है बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर भी डिफरेंट जर्म्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट तो विलेजर्स ने यहाँ पे एक प्लेज लिया टू प्रिजर्व फार्मलैंड वाटर और इंडीजीनस सीड्स को इंडीजीनस सीड्स बिकॉज जो इंडिजीनस सीड्स होते हैं ना यूजुअली वो ज्यादा क्लाइमेट रिजाइलेंट होते हैं लोकल क्रॉप होती है तो वो ज्यादा रफ एंड टफ होती है विलेज ने यहाँ ये प्लेज लिया है प्रिजर्व करेंगे रिसोर्सेज फार्मलैंड के वाटर के लाइफ स्टॉक लाइव स्टॉक मतलब मवेशी इंडिजीनस सीड्स वर्ल्ड सॉइल डे में ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमने दो चीज़ वहाँ पे देखा था अप्रोच एक तो होता है बॉटम अप अप्रोच और दूसरा होता है टॉप डाउन अप्रोच जो ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पे कलेक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड है वहाँ पे यह बॉटम अप अप्रोच ज़्यादा बेटर होती है ग्रास रूट लेवल पे पीपल को मूव करो मोटिवेट करो तो रिजल्ट बेटर दिखते हैं प्रिवेंट फर्टाइल सॉइल बींग वॉश्ड अवे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है तो फॉरेस्ट की जो रूट्स होती है जड़ होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है तेजी से पानी आता है अगर फॉरेस्ट नहीं है तो वो ऊपर की जो सॉइल की लेयर है वो बह के चली जाएगी अगेन जोग्राफी ये हमने पढ़ा है रिल क्या होता है इरोजन देन बैडलैंड टोपोग्राफी कैसे बनती है गली इरोजन क्या होता है प्रिवेंट फर्टाइल सॉइल बीम वॉश्ड अवे वाटर हार्वेस्टेशन करना भी जरूरी है वाटर हार्वेस्टेशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाटर जैसे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग होता है वेल्स बनाते हैं जिसमें पानी को स्टोर करते हैं तो ट्राइबल्स ने ये स्वराज संगठन ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है इंडीजीना सीड्स करेंगे और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल वे में दे विल ट्राई टू तो डू दिस थिंग तो दिस इज द न्यूज अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस एडिटोरियल ट्रांसपेरेंसी इज वाइटल ट्रांसपेरेंसी होना बहुत अच्छी चीज होती है दिस इज वाइटल इससे क्या होता है सब क्लैरिटी रहती है सबको पता होता है वॉट इज हैपनिंग इन्फॉर्म चॉइस हो पाती है जैसे वैक्सीनेशन में भी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं पुट एवरी थिंग इन पब्लिक डोमेन ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा है अब नाउ इट्स अप टू यू पब्लिक उसको वैक्सीनेशन लेना चाहती है या नहीं लाना चाहती है सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा मजब भी नोन बिफोर इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन ये हाइड नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर एफिकेसी नहीं है सेफ्टी नहीं है तो इसको हाइड करने से कोई फायदा होगा नहीं इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे रिपरकशन होंगे दैन फिर बैक टू जीरो

प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया नेक्स्ट थ्री वीक में हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर देंगे इससे पहले आया था फिफ्टीन अगस्त को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर देंगे नॉट ओनली अवर प्राइम मिनिस्टर एवरीवेयर जो लीडर्स हैं गवर्नमेंट हेड्स हैं वो ऐसे डेडलाइंस बताते हैं इससे क्या होता है जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उन पे अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं पे अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है तो वो पॉसिबल है कि कुछ इरेगुलरिटी को वहाँ पे इग्नोर कर दिया जाए या फिर प्रॉपरली उसको चेक नहीं कर, करा जा सके विच वुड नॉट बी गुड फास्ट ट्रैक वैक्सीनेशन करना जरूरी है बट वैक्सीनेशन में हेजिटेंसी नहीं आनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस बात पे प्रॉपर दिस वर्क शुड बी देयर शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए द सूनर अ वैक्सीन इज अवेलेबल द बेटर इट इज़ फॉर एवरी वन नाउ वी ऑल अग्री टू दिस जितना जल्दी वैक्सीनेशन आएगा उतना ही हम सबका भला होगा बट पुशिंग थ्रू एन इन इफेक्टिव और अनसेफ वैक्सीनेशन इनइेक्टिव है फायदा हो नहीं रहा है कोविड को वो प्रिवेंट नहीं कर रही है अनसेफ है साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो इट इज वर्स देन नॉट है नहीं होना ज्यादा बेटर है गलत वैक्सीनेशन होने से दिस वी शुड अंडरस्टैंड नेक्स्ट इज रीबिल्डिंग फ्रॉम डेबरी ये बात किया है यूएस का अभी मिस्टर जो बाइडन जो आएंगे फोर्टी सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए प्रायोरिटीज क्या होगी उनकी सी अभी जो 2020 में यूएस में इलेक्शन हुआ ये फिफ्टी नाइन्थ क्वाड्रेनियड्रेनियल इलेक्शन था मतलब चार साल में होता है यहाँ फोर फोर इयर्स में इलेक्शन होता है दो टर्म मिलते हैं फोर प्लस फोर आठ साल तक मैक्स कोई प्रेसिडेंट रह सकता है तो ये फिफ्टी नाइन्थ था इसका टेन्योर भी फिक्स्ड है बीस जनवरी दो हज़ार बीस से बीस जनवरी दो हज़ार पच्चीस तक ये जो फोर्टी सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए जो बाइडन होंगे उनका ये टर्म रहेगा अब इस ड्यूरेशन में इनकी प्रायोरिटी क्या होगी काम क्या होगा फोकस क्या होगा बाइडन विल हैव टू हील द वुंड्स ऑफ अ नेशन दैट सीम्स टू बी एट वॉर विद इट्सल्फ सिविल वॉर इज द वर्स्ट काइंड ऑफ वॉर अगर नेशन खुद ही अपने अंदर वॉर से लड़ रहा है विद इन वॉर है सिविल वॉर मतलब कंट्री के अंदर ही वॉर होने लग गई आपस में दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनी कंट्री बिकॉज अगर दो दूसरी कंट्री की फाइट होती है तो वी नो कि दिस इज अवर एनिमी वी हैव टू फाइट बट विद इन फाइट होती है तो विच इज नॉट गुड अब ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं काफी अच्छे पॉइंट्स हैं समराइज किया हुआ है कि क्या उनकी प्रायोरिटी हो सकती है सी पहला अंडू करें डैमेज डन ओवर फोर इयर्स टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मिस्टर ट्रंप का ये पॉलिसी रहा था उन्होंने पुल बैक किया यूएसए को अलायसेज से वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से स्ट्रेटेजिक गोल से यहां पे जो डैमेज हुआ है उसको अंडन करें सेकेंड हील करें द बिटर पोलराइजेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स पिछले कुछ टाइम पे अमेरिका में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है इस बिटरनेस को कम करने की जरूरत है पार्टिसन लाइंस पे ये जो फिनल हुआ ये पीक दिखा हमें हाज ट्रंप के ईयर्स में तो बाइडन को इस पर वर्क करना पड़ेगा टॉप ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसी एजेंडा ये होगा कि कॉम्बैट करें अब दिस इज नॉट सफिशेंट दिस इज नॉट डन कोविड नाइन्टीन का भी पैंडेमिक है तो यहाँ के जो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट है उसको भी डोमेस्टिक पॉलिसी एजेंडा में प्रायोरिटी पे रखना होगा इकोनॉमी क्लोज सेकेंड है बिकॉज इकोनॉमी भी यूएसए का नॉट डूइंग सो वेल अनएम्प्लॉयमेंट राइज एंड देन कोविड नाइनटीन भी है लॉकडाउन तो इकोनॉमिक स्टिमुलस भी पैकेजेस देने होंगे इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो ये क्या थे डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो बाइडेन इज लाइकली टू यूज इज फर्स्ट हंड्रेड डेज एक्सप्लोर करेंगे वॉट ऑप्शन क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप ने पुल किया था पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रंप ने इसको कैंसिल कर दिया था इसको रीजॉइन करने के क्या ऑप्शन है इंटरनेशनल फ्रंट पे तो पहले हंड्रेड डेज इनफैक्ट वन और टू ईयर्स तो इधर ही लग जाएगा अब इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं जैसे इमिग्रेशन रिफॉर्म एच वीजा इरा ऑफ ट्रम्पिस्ट आइसोलेशनिज्म था ग्लोबल स्टेज में आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी थी ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की इसको वो कैसे डील करेगा मिस्टर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन देन बॉर्डर वॉल भी मैक्सिको ट्रम्प कॉन्टिन्यू बोलते थे बॉर्डर वॉल बनाएंगे मैक्सिको में तो ये भी अब सस्पेंड होगा मिस्टर बाइडन विल है टाइम एंड हील दुंड इक्टेड ऑन अ नेशन दैट एट टाइम्स अपियर्स टू बी एट वॉर विद इट सेल्फ तो ये यहाँ कमेंट्री है रीबिल्डिंग फ्राम डैबरी एस्पेशली दिस यू एस एू एस ए हम इतना डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज़ हमारे सिलेबस में क्या लिखा है इंडिया के नेबर्स और वो कंट्रीज जैसे यू एस ए यू के हुआ यूरोप हुआ मतलब जिनसे ज़्यादा इंफ्लुंस हो सकता है हमारा आई आर सो वी शुड प्रिपेयर दोज टॉपिक्स इन डिटेल सो दैट इज़ वाई जैसे यू एस आता है यू के यूरोप आता है इसको थोड़ा डिटेल में देखना है इन कंपेरिजन टू से चिली में क्या हो रहा है या फिर जॉर्जिया में क्या हो रहा है ये जो कंट्रीज हैं यूएसए ईयू यूरोप अरेबिया यहाँ हमें ज़्यादा थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है रीबिल्डिंग फ्रॉम डेबरी अब ये बात है इंडियाज अर्बन वुमेन सी पोवर्टी रूरल पोवर्टी भी हो सकती है अर्बन पोवर्टी भी हो सकती है अर्बन पोवर्टी मतलब शहर में है और गरीब हैं अब गरीबी होने का बहुत सारा रीज़न है सबसे बड़ा रीज़न है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट नौकरी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है बट वो हमेशा शॉर्ट फेल शॉर्ट वो सफिशेंट प्रूव नहीं होती है पब्लिक वर्क कुड प्रोवाइड वैल्यूएबल सपोर्ट टू द अर्बन पुअर एस्पेशली इफ विमेन गेट मोस्ट ऑफ द जॉब तो ये एक हमारे पास तरीका हो सकता है अर्बन पुअर्स जो हैं वो एक्सपोज होते हैं सीरियस कंटिजेंसी आपदाएं भी आती है जैसे कि इलनेस हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ या फिर लॉकडाउन फ्लड साइक्लोन, फाइनेंशियल क्राइसिस ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वी नीड बेटर सोशल प्रोटेक्शन अब दो चीज़ें हो सकती है या तो हम करें यूनिवर्सलाइज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पी के थ्रू हम हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें एक यूनिवर्सल एक पेमेंट का भी बात होता है कि हम एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करें तो ये वेलफेयर टाइप हो सकता है दूसरा तरीका हो सकता है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें यूजुअली क्या होता है कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट वाला फिलॉसफी लेते हैं ना तो दिस वर्क्स बेटर इसके दो फायदे होते हैं एक तो आप फ्री में कुछ चीज़ नहीं दे रहे हो यूजुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि कोई चीज़ अगर बहुत फ्री में मिल जाती है या फिर ईजिली अवेलेबल हो जाती है तो हम उसका वैल्यू नहीं करते तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सपोर्ट दें ये बेटर होगा आप उनको नौकरी दो कुछ एम्प्लॉयमेंट दो इससे क्या होगा एक सेंस ऑफ अर्निंग आएगा उनको लगेगा कि नहीं ये चीज़ हमने अर्न किया है सेंस ऑफ अर्निंग प्लस ये काम करेंगे तो वैल्यूएबल एसेट्स भी बनेंगे तो एम जी नरेगा भी हमने कुछ इसी स्टाइल पे स्टार्ट किया था बट अब हम बात करें अर्बन का डी अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग करें ये ऑथर यहाँ पर मिस्टर जीन यहाँ पे ये कुछ आइडियाज दे रहे हैं जो इन्होंने फ्लोट किया है कि एक ऐसा स्कीम बनाए जिसमें गवर्नमेंट सारे वर्कर्स को एक टोकन दे दे गवर्नमेंट जॉब स्टैम्प क्रिएट कर दे एक दिन का वो टोकन का वैलिडिटी रहेगा मिनिमम वेज उसको मिल जाएगा और जो काम करवाना चाहते हैं वो उनका वर्क अवेल करा लेंगे इन सब लोगों से तो एक काइंड ऑफ लाइक पूल तैयार हो जाएगा जो काम करना चाहते हैं और इनको जो काम करवाना चाहते हैं प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है ये इनको ईजिली हायर कर सकते हैं फॉर डे टू डे परपज़ तो एक इनोवेटिव तरीका है ये इसमें अजीम प्रेम जी साहब यूनिवर्सिटी ब्लू है इन्होंने भी एक तैयार किया था कि हम कैसे स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर को यूटिलाइज करें प्रॉब्लम क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखना आपके पास वर्क फोर्स होती है लोग होते हैं बट आप उनसे काम नहीं करवा पाते तो एक लीडरशिप का बहुत बड़ा ये भी एक ट्रेट होता है कि आपको लोगों से काम करवाना आता है या नहीं आता है स्किल्ड वर्क अनस्किल्ड वर्क ऑन द जॉब और काम भी कैसे कराना है आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन किस काम को अच्छे से कर सकता है आइडेंटिफाई करें और फिर वर्क को डेलीगेट करें दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी एसेंशियल क्वालिटी होती है लीडरशिप में डेलीगेट करें और काम करवाना आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग अब इसमें एक और बात है विमेन वर्कर्स हैं इनको पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकता है फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होंगे तो ये इनके लिए कन्वीनियंट होगा द होल इज ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं गिव इट इट ट्राई फोकस होना चाहिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे अर्बन जो पुअर है ना ये नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए यूजली क्या होता है हम रूरल पुअर को एड्रेस करते हैं स्कीम्स लाते हैं बट जो अर्बन पुअर होते हैं ये नेग्लेक्ट हो जाते हैं तो फोकस शुड बी हियर द नेक्स्ट इज द ग्राउंड आउट फ्रॉम बीनीथ द फार्मर फीट अब कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया था फार्मर बिल को अब आज हम देखते हैं एक आर्टिकल जिसमें हम बताएंगे ये फार्मर बिल है इसमें क्या लूप होल्स है लकूना क्या है क्या शॉर्टकमिंग है ग्राउंड हैज फॉलन आउट फ्रॉम बीनीथ द फार्मर्स फीट वाई हम ऐसा क्यों करते हैं बिकॉज हमको ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ना है हमको ये चीजें भी पता होनी चाहिए और ये जो दूसरे जो पॉइंट है वी शुड नो दैट इज वेल और ओपिनियन क्विकली नहीं बनाना चाहिए पहले हमें स्टडी करना है समझना है देन ग्रेजुअली फिर हमें उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अब जैसे ये बीनीत द फार्मर्स फीड इसमें कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स दिए हैं लीगैलिटी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल दिया है फॉर एग्जाम्पल कि ये जो फार्म बिल है इसको सेंटर ने पास किया पर जो एग्रीकल्चर है वो आता है मैटर स्टेट लिस्ट का इफ यू रिमेंबर लास्ट मंथ एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन का आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिस्कस हुआ था फार्म बिल का हैव अ लुक उसका मैंने पीडीएफ बना के भी टेलीग्राम में शेयर किया है हैव अ लुक काफ़ी अच्छा था वो इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था और द हिंदू में भी था हमने उसको क्लब करके पढ़ा था सो दिस थिंग तो द पॉइंट इज सेंटर ने उसको एक्चुअली क्या किया सेंटर ने उसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाके ट्रेड वर्ड और ऐसे फॉर्म बिल इंट्रोड्यूस कर दिए बट डी फैक्टो जो एग्रीकल्चर है वो आता है स्टेट लिस्ट में एंट्री चौदह अट्ठारह छियालीस अट्ठाईस स्टेट लिस्ट में तो so, पहली बात तो ये हो गई कि जो सेंटर है वो स्टेट के दिस मैटर पे बिल बुला रहा है सेकेंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत सारा डिजिटल लैंग्वेज है प्लस ये जो लैंग्वेज है ना ये बहुत ज़्यादा लॉयर्स लैंग्वेज है एंड लॉयर्स लॉयर्स लैंग्वेज है अब फार्मर्स इस तरफ हैं लॉयर्स इस तरफ हैं तो फार्मर्स तो लॉयर्स लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे ये एलियन टू फार्मर्स हो जाएगा तो देर इज़ अ स्ट्रॉग पॉसिबिलिटी कि फार्मर्स यहाँ पे डिसएडवांटेज में रहेंगे बिकॉज जो कॉरपोरेट्स होते हैं इनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स होती है तो दिस इज़ वन थिंग अब यहाँ एक और चीज़ है फ्रीडम ऑफ अ फार्मर है टू कैरी आउट हिज ओन ट्रेड अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन एफ प्रोफेशन थ्रेट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन भी हो सकता है आर्टिकल फोर्टी थ्री डी पी एस पी जो बोलता है डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड वो भी यहाँ पे इंश्योर होगा या नहीं पॉइंट टू बी नोटेड नाउ ये जब एक्ट आएंगे तो इन एक्ट में डिफाइन किया है फार्मर को और फार्मर की डेफिनेशन क्या होती है जैसे हम हमेशा बोलते हैं स्कीम्स लाना अच्छी बात है हम गुडविल से स्कीम लाते हैं प्रॉब्लम क्या आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पहले तो आइडेंटिफाई करो कि किसको फायदा पहुंचाना है फिर उस तक वो फायदा भी पहुंचाओ ये दो बड़े बॉटल नैक होते हैं अब फार्मर की डेफिनेशन क्या है इसमें इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया क्रॉपर को लेबरर को टिलर को तो ये डेफिनेशन तो नैरो हो गई ये लोग डिसएडवांटेज में हो जाएंगे सेकंड फार्मिंग एग्रीमेंट जो टर्म लिया है बेस्टोइंग पावर टू द फार्मर तो यहाँ पर क्या है एक स्पॉन्सर आएगा एक बीच में स्पॉन्सर आएगा दैट हैज़ द पावर टू रिफ्यूज़ द यल्ड जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ फार्मर और दिस इसके बीच में अब ऐसा नहीं है कि फसल रेडी हो गई डिलीवरी का टाइम आया तो अगर इसको जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो यहाँ पे चेक्स लगा सकता है कि इसकी क्वालिटी नहीं है या फिर अग्री नहीं है प्रॉपर नहीं है कुछ भी तो ये इसको फिर सेल नहीं कर पाएगा अब इसके पास फसल भी आ गई अब फार्मर इसका क्या करे तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग फार्मिंग अग्रीमेंट एक्ट मैंडेट करता है ट्रेड को टू अकर वेन द प्रोड्यूज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड ना अब ये जैसे शब्द होते हैं ना ये बड़े वेग होते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड अब इसका क्या मीनिंग है इसको क्वान्टिफाई कैसे करेंगे फसल आ गई अब इसने मना कर दिया म्यूचुअली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ देन वॉट आर द प्रोविजन्स मोर ओवर क्वालिटी चेक इन सच अ वे सच केसेज इज टू बी डन बाय थर्ड पार्टी अब थर्ड पार्टी उसको क्वालिटी चेक कर रहा है मतलब एडिशनल वहां पे लेयर्स आ गई सिंप्लीफाई नहीं हुआ चीज़ देन एक्ट इज में एक और चीज़ है कि अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लाना है हमें इन द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोविजन में अपील का इतना इनके पास फार्मर के पास स्कोप नहीं है नो राइट टू अपील और एस डी एम जो है यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही ओवरबर्डन हो जाएगा ओवर वर्कड एस डी एम इन दी एबसेंस ऑफ सच अंसिलेशन प्रोसेस तो इससे क्या होगा एंड्रॉपी क्रिएट होगी स्कीम का इंटेंशन ठीक है बट प्रैक्टिकलिटी फीजिबिलिटी है या नहीं है इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए अब आर्टिकल फोर्टी एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन है जस्टिस देना है राइट टू इक्वालिटी राइट टू लाइफ ये एक चीज़ है इसका भी एंगल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का और जो दूसरी चीज़ है वो है अगेन वेग वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स इस पूरे बिल में लिखे हुए हैं जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टेंसेस अब इसका क्या मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज इसका क्या मतलब है इसका वेरियस इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है तो इससे क्या होगा लीगल केसेस एंड दिस एंड दिस तो फार्मर को ये पसंद नहीं आएगा और फार्मर पॉसिबली यहाँ पे डिसएडवांटेज में रहेगा तो दीज आर द थिंग्स जैसे कुछ वर्ड है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ तो ये बड़े कैरलसली यूज हुए हैं यहाँ पे और इससे एक कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल डिस्प्यूट ओवर इंटरप्रिटेशन हो जाएगा इंटरप्रिटेशन क्या है इसको आप समझ कैसे रहो किस कॉन्टेक्स्ट में तो इससे काफी ज्यादा लीगैलिटी आएगी और फार्मर फिर इन लीगल चीजों को देखेगा या फिर वो अपना काम करेगा फार्मिंग का तो दैट इज बाय दिस इज ऑल्सो वन थिंग ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है द ग्राउंड हैज फॉलन आउट फ्रॉम बिनीथ द फार्मर्स फीट ओके अब प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर द होल आइडिया इज़ हमें एक वेरिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्निकलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी वी शुड ट्राई टू इनकलकेट और ये एक साथ नहीं होता है ग्रेजुअल हम पढ़ते रहते हैं ना तो उतना ही फिर रिफाइनमेंट आता है हम डिफरेंट डिफरेंट थाट्स देखते हैं तो हमारे आइडियाज़ भी उतने ही रिफाइन होते हैं सो बी ओपन टू आइडियाज और उसको बहुत ऑब्जेक्टिव वे में सुनना चाहिए समझना चाहिए और फिर सोचना चाहिए इसमें क्या मेरिट है या नहीं है और फिर खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए ओके प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर अब ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर है पॉलिटिशियन इन वेटिंग मिस्टर रजनीकांत दिस इज प्रडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन एनालिसिस प्रोटीन सिंथेसिस और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका अभी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर सी प्रोटीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत रिलायबली और कंसिस्टेंट एआई टूल्स ने प्रडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर किया है ऐसे ही एक ए आई बेस्ड प्रोग्राम है अल्फा फोल्ड टू फ्रॉम द कंपनी डीप माइंड इसने बहुत रिलायबली कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा काम किया है एनालिसिस ऑफ प्रोटीन किया है तो इससे क्या होता है जब प्रोटीन एनालिसिस करते हैं तो इससे हमें उसका स्ट्रक्चर पता चलता है फॉर्म पता चलता है शेप पता चलता है और उससे पॉसिबल होता है टू गेट आइडियाज़ अबाउट इवोल्यूशन कि कैसे इवोल्यूशन हुआ डिसीज डिफेंस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो यू कैन इजीली फाइट वॉर्ड ऑफ दीज डिसीजेज आज से सिक्सटी इयर्स पहले मैक्स पेरुड्स ने डिटरमाइन किया था प्रोटीन स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का इनका स्ट्रक्चर इन्होंने डिटरमाइन किया अब एक बार स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लिया हेमोग्लोबिन पता चल गया तो हमें ये पता चल गया कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है वर्क कैसे कर रहा है और फिर हमारी साइंस मेडिकल एडवांसमेंट हुआ प्रोटीन अलोंग विद न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस दैट मेक्स अ जीनोम ये जीनोम भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है एसिड सीक्वेंस दैट मेक अ जीनोम फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म तो ये सब चीजें अभी चल रही थी ग्रेजुअली प्रोग्रेस भी हो रहा था पिछले कुछ टाइम से आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली तीन पिलर्स हैं एक होता है एलगोरिदम एल्गोरिदम मतलब हमने रूल्स बना दिए ये हो तो ये होगा ऐसा हुआ तो ऐसा होगा ऐसे करके हमने रूल्स बना दिए ये पैरामीटर्स हैं तो इसका मतलब ये है एल्गोरिदम इंफरेंस ड्रॉ होंगे तो दीज आर रूल्स सेकेंड पिलर होता है डेटा डेटा मतलब प्रैक्टिकल हिट एंड ट्रायल बहुत सारे सैम्पल्स दे दिए उनको समझ समझ के हमने देखा डेटा ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट ये आता है डी टू में ऐसा रिजल्ट आता है डी थ्री में ऐसा रिजल्ट आता है तो डेटा जितना ज़्यादा डेटा आएगा ए उतनी ही रिफाइन होती है तीसरा आता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब हमें कंप्यूटिंग बहुत एडवांस हो गई है अब हमारी कंप्यूटेशनल स्किल्स हमारे सुपर कंप्यूटर्स एंड ऑल हम इजीली कैलकुलेशंस कर पाते हैं पिछले कुछ टाइम से स्पेशली लास्ट डेकेड में एल्गोरिदम तो पहले से था हमारे पास बट जो डेटा है इस डेटा में एक एक्सप्लोजन हुआ है एक्सप्लोजन मतलब बहुत सारा डेटा आ रहा है बिकॉज सबके पास गैजेट्स आ गए मोबाइल्स आ गए सब अपना डेटा भी शेयर कर रहे हैं जितना ज़्यादा डेटा आ रहा है उतना ही टेस्ट केसेस आ रहे हैं और ए रिफाइन हो रही है दूसरा एक बहुत बड़ा जो चेंज हुआ वो हुआ कॉम्प्यूटेशन में हमारे कंप्यूटर्स बहुत एडवांस हो गए तो हम इस डेटा को प्रोसेस बहुत इजीली कर पा रहे हैं और एआई उतनी ज़्यादा रिफाइन एंड स्ट्रॉन्ग हो रही है तो इससे जो बायोलॉजी है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड ऑल में जो स्टडी है उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिला है ये पूरे आर्टिकल में यहाँ पे ये बताया लॉन्ग स्टैंडिंग जो प्रॉब्लम्स थी हमारी वो अब सॉल्व हो रही है इंडियन एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हैं यूनिवर्सिटी एंड ऑल ए आया प्रोग्रेस आया दिस इज़ द थिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस साइंस टेक्नोलॉजी इन दिस बायोलॉजी सेक्शन ओके सो दिस इज़ बायोलॉजी बायोलॉजी मैंने क्लास टेंथ तक पढ़ा है आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ बायोलॉजी बहुत डर लगता था बायोलॉजी एक तो नाम याद नहीं होते हैं ऐसे नाम होते हैं इनके बट दिस इज़ द थिंग बायोलॉजी इज गुड एंड इम्पोर्टेंट अब डर लगता था तो मैंने इसमें बहुत मेहनत किया तो आई गॉट नाइन्टी एट इन साइंस बट देन फिर आई सेड इनफ देन फिर आई मूव टू मैथ्स सो दिस इज प्रडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर ओके तो दिस इज बायोलॉजी यूपीएससी में अगर हम एग्जाम्स में देखें तो सिंपल बायोलॉजी आती है पिछले कुछ टाइम से ये जो जीनोम एंड ऑल है ये बहुत ज़्यादा आबारा है जीनोम जीनोम एंड दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर पैथोजेंस ये सारी चीजें काफी फ्रिक्वेंटली पूछी गई है प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर ये बात है इन्वेस्ट करना जरूरी है इंडिया के यूथ में हम अभी ह्यूमन जोग्राफी भी पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड और वो तभी वैल्यू होगा जब वो स्किल्ड हो लोगों को स्किल सेट है उनमें तो वी नीड टू स्किल देम आई क्यू भी स्ट्रांग करना जरूरी होता है और ई क्यू भी स्ट्रांग करना जरूरी होता है वरना अदरवाइज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो वंडरफुल स्टूडेंट्स होते हैं बट वो हमेशा ई क्यू के ट्रैप में फंस जाते हैं और परफॉर्मेंस उनका आता नहीं है तो आई क्यू इज ऑल्सो गुड ई क्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इमोशनली स्ट्रॉन्ग स्टेबल देन दिस इज न्यूज ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है अलाउड इन लक्षद्वीप लक्षद्वीप में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हम बहुत सस्टेनेबल वे में फार्मिंग कर रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है जैसे ये कैचुए होते हैं वर्मी कंपोस्ट ये ग्रीन लीफ के मेनोअर है इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं ये क्रॉप रोटेशन यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं एनिमल हजबेंड्री है बायो फर्टिलाइजर्स हैं मैन्यर यूज़ कर रहे हैं तो हर चीज़ हम एम्फेसाइज कर रहे हैं ऑर्गेनिकली सस्टेनेबल नेचर सस्टेनेबल वे में दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग अब कई बार क्या होता है एग्जाम में पेपर लिख रहे हैं ना तो समय बहुत कम होता है जी के पेपर में टाइम बहुत कम होता है तो अब इनोवेटिव बनो जैसे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का आया एंड ऑल यू हैव गॉट इज टू मिनट्स ऑफ टाइम अब इस टू मिनट में जस्ट डायरेक्ट कम टू द पॉइंट एक ऐसे ब्रैकेट बनाइए ऑर्गेनिक फार्मिंग ये ग्रीन लीव क्रॉप रोटेशन दिस 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 इस, इसमें आपको वन मिनट भी नहीं लगेगा और आपने ये लिख दिया ना ये चीज़ एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इसको पता है क्या होता है हो सकता है टाइम नहीं था बट द पर्सन नोज तो वो आपको ईजिली दो तीन नंबर तो मिल ही जाएंगे इसमें बहुत ईजिली दिस इज द ट्रिक अब आईलैंड आर आइंग एन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इन कोकोनट एंड इट्स प्रोडक्ट और आंसर राइटिंग में बी डू वन थिंग जो कुछ आंसर्स होते हैं ना वो आपका इम्प्रेशन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बोगज आंसर्स नहीं लिख रहे हैं इससे क्या होता है जो कॉपी चेक कर रहा है उसका एक इम्प्रेशन बन जाएगा आपकी कॉपी में बिकॉज आप तो उसके सामने हो नहीं आपकी कॉपी में जो लिखा है वही आपकी आइडेंटिटी है तो मेक गुड प्रेजेंटेशन राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी जरूरत नहीं है बट जो लिखा है ना वो नीट होना चाहिए क्लीन होना चाहिए पढ़ने लायक होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए एंड बोगस नहीं लिखना है बोगस लिखने से उसको ये लगता है कि दिस स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फूल मी फिर वो नेगेटिव चला जाएगा आपके अगेंस्ट नो जेन्यनली जो आता है और जो पूछा गया है उसके आसपास आप आंसर लिखो ओके okay? एंड ये परंपरागत कृषि विकास योजना एंड बी कॉन्फिडेंट आपने स्कूल पास किया है ग्रेजुएशन पास किया है इतने सारे एग्जाम्स लिखे हैं और हर जगह आपने ये रिटर्न आंसर्स लिखे हैं बी कॉन्फिडेंट दिस इज़ नॉट एनी डिफरेंट यू पी एस सी इज़ नॉट एनी डिफरेंट जस्ट उसी लाइन पे कॉन्टिन्यू करिए और नॉलेज एनरिच करिए प्रैक्टिस करिए यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स ओके रोबोट्स नहीं बनना है रोबोट्स नहीं बनना है ओके okay? परंपरागत कृषि विकास योजना दिस इज परंपरागत कृषि विकास योजना एक स्कीम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और ऐसा ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं बूस्ट कर रहे हैं लक्षद्वीप में इंडिया के नंबर्स भी अच्छे हैं इंडिया रैंक फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स और नाइन्थ है एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो दिस इज गुड थिंग बीच बीच में आंसर में ऐसे फैक्ट्स डाल देने चाहिए इससे ये लगता है थोड़ा ऑथेंटिसिटी आ जाती है आपने ये कहीं पर लिख दिया मतलब यू रेड अबाउट इट ओके एंड स्कीम्स का भी कहीं कहीं ऐसे प्रिपेयर फिफ्टीन ट्वेंटी स्कीम्स के नाम याद रख लीजिए जो बहुत ज्यादा कॉमन रेलिवेंट है और उसको बीच बीच में अपने आंसर में ऐसे लिखिए कहीं पर भी परंपरागत कृषि विकास योजना अब एक स्टूडेंट ने केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा एक ने इस स्कीम का भी नाम लिख दिया ये स्टूडेंट को बेटर मार्क्स मिलेंगे इसने ये थोड़ा डेटा भी लिख दिया बेटर मिलेगा सो दिस इज द दिस ऑल आर द ट्रिक अब इसमें प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग अब डू दिस एक्सरसाइज जैविक खेती पर एक नोट तैयार करें एंड बी कॉन्फिडेंट आप बहुत अच्छा लिखते हो प्रॉब्लम है कि आप लिखते नहीं हो प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड इन लक्षद्वीप अब ये चीज है अब दिस इज अबाउट मैक्रॉन फाइट अगेंस्ट टेरर दिस इज न्यूज रिलाइंग ऑन वैक्सीन अलोन वोंट डू सी हमें सोशल वैक्सीनेशन एंड इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करने की जरूरत है भारत बायोटेक ने भी डीसीजीआई अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस क्या होते हैं पॉडकास्ट में यहाँ पे मेंशन है दिस डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी इनोवेट एंड बी फोकस्ड एंड कीप वर्किंग डोंट स्टॉप वेड फॉर दिस एंड शोकेज है यूएस चाइना डोमिनेट कर रहे हैं आर्म्स मार्केट रेस को ओके okay? रिपोर्ट में ये बताया है अमेरिकन फॉर्म्स इतना परसेंट सेल है आर्म एक्सपोर्ट का रेस ये जो आर्म्स का बिजनेस होता है ना डिफेंस का ये बहुत हाईफाई होता है बहुत पैसे हैं यहाँ पे तो दैट इज वाई कंट्री यहाँ पे चाहती ही ये है कि जो आर्म्स सेलर्स हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बना रहे ताकि इनकी आर्म्स की जो सेल है वो कंटिन्यू रहे यूएस चाइना डोमिनेट आर्म्स मार्केट देन दिस इज लेजिस्लेचर पोल्स बॉयकॉटेड बाय ओपोजिशन बाइडन ने पिक किया कैलिफोर्निया एजी फर्स्ट दिस हेल्थ सेक्रेटरी देन बॉब डायलन बॉब डायलन सेल्स इज एंटायर कैटेलॉग टू यूनिवर्सल म्यूजिक द आंसर

इंडिया का जो इम्पोर्ट है इम्पोर्ट मतलब हम चाइना से बुलाते हैं चाइनीज गुड्स का डिक्लाइन हुआ है इम्पोर्ट में हम बहुत ज़्यादा डेफिसिट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में करंट अकाउंट एंड दिस कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में हम डेफिसिट में, में, में होते हैं कैपिटल अकाउंट में प्लस में होते हैं ताकि ओवरऑल दोनों न्यूट्रीफा न्यूट्रल हो जाता है हिंडालको है आर आई एल क्वार्टरली रिटर्न मोस्ट जी एस टी पेयर्स फ्रॉम जनवरी दीज आर दिस इकोनॉमिक्स बिजनेस सेक्शन एंड ये है टी ट्वेंटी वर्ल्ड अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में सेंट्रल विस्टा ऑन होल्ड फॉर नाउ ये टारगेट है 2022 तक बिल्डिंग बन जानी चाहिए लेट अस सी बिल्डिंग बनेगी तो थोड़ा फायदा भी होगा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कॉस्ट बेनिफिट एंड ऑल लेट अस सी फिलहाल के लिए होल्ड पे है ये तो ये फ्रंट पेज था द इंडियन एक्सप्रेस का ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है जो समझना भी चाहिए हमें इन क्रिटिसिजम एंड लॉ सूट डिबेट ओवर कोडिंग फॉर किड्स सी कोडिंग इज वेरी गुड आई लाइक कोडिंग अ बट हर चीज का एक समय होता है ओवर कोडिंग फॉर किड्स एम्बिशियस पेरेंट्स जो होते हैं वो नज करते हैं बच्चों के पीछे ही बढ़ जाते हैं कि टेक एजुकेशन कंपनीज जो हैं ये भी ऐसे सेल करती हैं अपने प्रोडक्ट को कि आपने कोडिंग नहीं किया मतलब लाइफ में कुछ नहीं किया इट इज रॉन्ग चिल्ड्रन टू स्टार्ट यंग और चिल्ड्रन को ऐसे इन्फ्लुंस किया जाता है कि अब दस बारह साल में दो करोड़ का पैकेज मिल जाएगा ऐसे कैसे मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है पुश देयर चिल्ड्रन टू स्टार्ट यंग विद लर्निंग प्रोग्रामिंग क्रिटिक्स रेज रेड फ्लैग अब इस बात पर बहुत सारे रेड फ्लैग्स आए हैं द की कंटेंशन बीग दैट टॉट टू अर्ली फॉर सम और प्लस हर स्टूडेंट को तो कोडिंग करना नहीं है किसी का इंटरेस्ट नहीं है हम उसको क्यों फोर्स कर रहे हैं सम ऑफ द क्वेश्चन बींग रेज अ पार्ट ऑफ एन ऑन गोइंग डीफेमेशन केस जो डेली हाईकोर्ट में चल रहा है एक्चुअली क्या है जैसे अभी ये थ्री हंड्रेड मिलियन में इसको इतना इतना पैसा आ रहा है बट ये पैसे की वसूली कहाँ से होगी दिस ऑल्सो यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स सो क्रिटिसिजम एंड लॉ सू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इवन एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें भी एक सर्टन डिग्री ऑफ दिस एथिक्स होना जरूरी है क्रेडिबिलिटी होना जरूरी है अदरवाइज़ ये क्या होते हैं मिसलीडिंग एडवरटाइजमेंट्स होते हैं जैसे कल शशि थरूर साहब ने एक कुछ ट्वीट किया था कि सम बडी हैज़ एडवरटाइज की शशि थरूर अप्रूव इंग्लिश स्पोकन है केवल पंद्रह दिन आपने पढ़ लिया तो आप शशि थरूर जैसी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे हाउ इज़ दैट पॉसिबल सो ऐसी मिसलीडिंग चीज़ जो होता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए एट द सेम टाइम बच्चे तो ठीक है पेरेंट्स को थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है बिल्डिंग ब्रिजेज इन द फॉरेस्ट टू हेल्प वाइल्ड लाइफ ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये ना कॉरिडोर्स होते हैं जैसे ये H1 वन कॉरिडोर है H2 टू कॉरिडोर है एनिमल को इधर जाना है तो अब ऐसे ये कॉरिडोर्स बना रहे हैं सी दिस इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर ऐसे ही जो ये जो टाइगर होता है ना इसको भी बहुत बड़ा एरिया चाहिए घूमने के लिए तो इको ब्रिज बिल्ड किए हैं जैसे रेप्टाइल के लिए उत्तराखंड में रामनगर में रॉयल बेंगाल टाइगर अंडर से जा रहा है नेशनल हाईवे फोर्टी में ये एक कैनोपी ब्रिज बनाया है अन्ना मलाई हिल्स में मकाक है ये तो दीज आर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्रिजेज इन द फॉरेस्ट टू हेल्प वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसका नंबर वन रीज़न ये है कि हम वाइल्ड लाइफ के एरिया में एनक्रोच कर रहे हैं ह्यूमंस यहाँ पे डिफॉल्टर है एंड फॉर दैट जैसे ये अब टाइगर का एरिया है हमने यहाँ रोड बना दी तो वी नीड टू बिल्ड बेटर स्ट्रक्चर और इनको एक कॉरिडोर देने की ज़रूरत है इको ब्रिजेस बोलते हैं इनको अब इसको भी आप अपने आंसर में कहीं मौका देखते यूज करना इको ब्रिजेस ऑर्डिनेंस प्रोटेस्ट है ट्रस्ट दाइक्रो मैनेजमेंट इन दी ओपन कोविड वेज ऑप्शन विद एंग प्रोटेस्ट सेलिब्रेटिंग जे एन यू माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है जैसे लीडरशिप की भी स्टाइल होती है माइक्रो मैनेजमेंट मतलब जो बॉस है ना वो नीचे हर एक छोटी छोटी बात पे बिल्कुल डिटेल्ड वे में आपको करेगा और एक दूसरा लीडरशिप होता है कि जो लीडर है उसने ब्रॉडली बता दिया मुझे ये ये काम चाहिए अब इट्स अप टू यू आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के इस काम को करो बस मुझे आई द द जॉब डन तो ऐसी डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं ग्रेट ग्लोबल क्लाइमेट रीसेट दिस इज अगेन चाइना और यूएसए और क्लाइमेट में दो टर्म बहुत याद रखना है सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटर पे प्रिंसिपल क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट वापस आ रहा है बैंकिंग ऑन स्टेटस को ये वर्ल्ड न्यूज़ है यूके सीज़ फाइनेंस प्लेइंग बैट फ्रांस प्लेइंग बैटकॉक एंड दिस इज इकोनॉमी फुल रिडेम्पन नॉट गारंटीड है और ये पैंडमिक एंड दिस अब मैप देखते हैं गुजरात का गुजरात आई थिंक ये बचा हुआ था गुजरात गुजरात यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान का एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे यहाँ ऊपर राजस्थान है राजस्थान के बाद इधर मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश के इधर फिर महाराष्ट्र हो जाता है तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान ये तीन राज्य हो गए और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे पाकिस्तान ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड रन ऑफ कच्छ यहाँ पे सर क्रीक, कोरी क्रीक वगैरह भी है फिर ये एरिया कहलाता है भुज यहाँ पे फिर राजस्थान से जुड़ा हुआ एरिया है देन दिस इज मध्य प्रदेश और यहाँ पे फिर नर्मदा भी आ जाएगी नर्मदा रिवर दिस इज नर्मदा ये दो गल्फ यहाँ इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बात गल्फ ऑफ खम्बात में एक ऐसे ब्रिज बनाने की भी बात थी उसका नाम बताइए कुछ दिन पहले देखा था हमने ऐसे प्रपोज था ये अरेबियन सी है ये दमन एंड दीव है दमन एंड दीव ओके और नीचे फिर महाराष्ट्र दादरा एंड नगर हवेली यूटीज थी ये पहले अब दिस इज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ओके सो तो दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ दिस गुजरात यहाँ गांधीनगर है आई यूज टू लिव योर गांधी यहाँ पर है ओके ये अहमदाबाद है सो so, ये है गुजरात का मैप ऑल राइट सो दिस इज गुजरात ये क्रिटिसिजम एंड लॉ सूट है डिबेट ओवर कोडिंग फॉर किड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग लक्षद्वीप ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना लिखेंगे ना उतना ही रिफाइन होगा इन प्रेडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर और बेसिक्स तो आपको पता है ब्रॉडली गाइडलाइंस प्रैक्टिस ग्राउंड हैज फॉलन आउट मोर फ्रॉम बीनीथ द फार्मर्स फीट डू एट फॉर इंडियन अर्बन वुमेन रीबिल्डिंग फ्रॉम डैबरी ट्रांसपेरेंसी इज वाइटल बायोडाइवर्सिटी फॉस्ट एंड फ्रॉस्ट एंड मेक फ्रॉस्ट एंड मिस्ड फॉग एंड मिस्ड सुप्रीम कोर्ट विस्टा इनोग्रेशन ये कुछ वो कैब वर्ड्स हैं एंड दिस इज एट्थ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडीवेल एंड बी सेफ